हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजेलिक गाइडेंस। एंड आज हम लोग एक पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाले हैं आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग की। तो ये हमारे पास कुछ पाइल है, कोको चैनल वाली एंड ब्लैक ओपियम लाए इस्ट बेले। तो आप इसमें से कोई एक चूज कर लीजिए, मैं टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप इसमें से एक चूज कर लीजिए जो आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रही हो। तो फिर हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। तो पहले जिन्होंने एक मिनट तो पहले जिन्होंने कोको चैनल चूज किया है उनका देख लेते हैं पहले। चलिए उनकी पार पहले हम देख लेते हैं क्या आया है, ये बाद में देखेंगे। लव मैसेजेस भी बाद में लिखेंगे। चलिए पहले एक एक करके कार्ड्स देखते हैं आपके क्या आए हैं। हनीमून, ओके। आपके पार्टनर हनीमून पे जाना चाहते हैं आपके साथ। बहुत रोमांटिक मतलब है आपका रिलेशनशिप, बहुत ज्यादा प्लेफुलनेस। वेडिंग, ओके। वेडिंग, हनीमून, बहुत प्यारे कार्ड आए, आप खुद देख लीजिए। वेडिंग, हनीमून, बहुत प्यारे। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं और मतलब आपके बीच बहुत कटिंग वगैरह होती होगी, बहुत आपके आपका रिलेशनशिप बहुत प्यारा और बहुत अच्छा होगा। बहुत जल्द आप लोग शादी करने वाले हो और आपके पार्टनर और आप भी चाहते हो कि आप लोग की जल्द से जल्द शादी हो। आप लोग अपने हनीमून पे जाइए, टाइम स्पेंड कीजिए अपना, जो इतना आप लोगों ने सोचा होगा, आप लोगों ने पहले से ही सब प्लान करके रखा होगा कि कैसे हमारी शादी होगी, फिर हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, हाँ हनीमून पे जाना है, सारा प्लानिंग व्लानिंग आप पहले से ही कर रहे होगे सब। और आप लोग साथ में बहुत इंजॉय, एक दूसरे की आपको जो क्या कहते हैं उसको, आप जो साथ में टाइम स्पेंड करते हो ना, वो एक दूसरे को आप बहुत अच्छा लगता है, मतलब आपको उनके साथ और उनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा है, एक दूसरे की कंपनी इंजॉय करते हो। चलिए आपके हिडन मैसेज देख लेते हैं क्या है उनके, आपके पार्टनर के। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई एम ब्लेम्ड यू। हो सकता है कभी कभी आप लोग के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हूँ तो वो ये बताना चाहते हैं कि कभी कभी क्या होता है, गलती मेरी होती है तो लेकिन मैं तुम पे ब्लेम कर देता हूँ। देखिए लड़ाई तो छोटी मोटी सब क्या होती है, सबके रिलेशनशिप में होती है, तो वो बस इतना बताना चाहते हैं जब कभी कभी क्या होता है कि गलती मेरी होती है पर मैं तुम पे ब्लेम कर देता हूँ, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हो जाता है और उनको रियलाइज हो जाता है, वो गिल्टी फील करते हैं, हो सकता है आपसे माफी भी मांग लेते होंगे। तो यही तो रिलेशनशिप की एक अच्छी जान है कि मतलब आप लोग एक दूसरे में इतनी अंडरस्टैंडिंग, अगर आपसे कोई गलती भी हो जाती है फिर आप ब्लेम भी करती, फिर आपको रियलाइज भी हो जाता है कि हाँ मेरी गलती थी, मैं मान लेता हूँ, फिर सॉरी भी बोल लेते हैं। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक, वो जब सॉन्ग सुनते हैं तो ऐसा लगता है जो लाइन्स आती है ना उन सॉन्ग्स में, लिरिक्स, उनको लगता है कि आप उनसे कह रहे हो। तो ये आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं। और ये देख लेते हैं, आई रिमेम्बर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। हो सकता है कोई डे आप लोग का जो अभी भी आप लोग को बहुत अच्छे से याद हो, आप दोनों को बहुत यादगार रहा हो वो दिन, तो वो कहते कि मुझे अभी भी उस दिन की छोटी सी छोटी बातें याद है आपकी। कितना प्यारे मैसेजेस हैं। अब आपके लव मैसेजेस देख लेते हैं। टुडे टुमारो फॉर एवर आई एम योर्स, आज भी कल भी और कल भी था हमेशा, मैं तुम्हारा ही तुम्हारा हूँ, कल भी था आज भी हूँ और हमेशा रहूंगा, बस इतना समझ लो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। तो मुझे डरने की जरूरत ही नहीं आपको कि मैं आपको कहीं छोड़ के चला जाऊंगा, मैं तो आपके साथ ही हूँ। आपका पार्टनर कहना चाहता है या मैं आपके साथ रहूंगी हमेशा हमेशा के लिए, वो ये कहना चाहते हैं। You are my today and all of my tomorrows. Wow, एक messages दोनों में ही एक ही तरह के same messages आए हैं, वही कहना चाहते हैं। You are my today and all of my tomorrow and today tomorrow forever I am yours. Wow, बहुत प्यारे messages आए आपके लिए। देखिए wedding के playfulness, honeymoon, फिर यहाँ पे उनकी जो फीलिंग्स आई हैं, इतनी प्यारी प्यारी फीलिंग्स आई हैं, वो उनको अपनी गलती भी रियलाइज हो जाती है, आप लोग में इतनी अंडरस्टैंडिंग है और वो कहते हैं कि सिर्फ तुम ही हो मेरी लाइफ में और कोई आ ही नहीं सकता, आज भी तुम थी कल भी तुम हो और हमेशा रहोगी, वो ये कहना चाहते हैं। चलिए अब आपके कुछ लव लेटर्स देख लेते हैं।
यू आर ग्रेट एट ड्रॉइंग. हो सकता है आप में से कुछ व्यूअर्स की ड्रॉइंग बहुत अच्छी हो और आपके पार्टनर आपकी ड्रॉइंग को बहुत पसंद करते हो, वो सपोर्ट करते हो, आपको अप्रिशिएट करते हो और आपको इतना सपोर्ट करते हो कि कहते हो कि हाँ तुम बनाया करो, कभी तुम मेरी ड्राइंग ही बना दिया करो, मेरी पोर्ट्रेट बना दिया करो, या फिर कभी तुम्हें अच्छी अच्छी जगहों पर जाते होंगे, कहते होंगे हाँ चलो अब तुम इस सीन को बनाओ, या फिर ऐसे कुछ भी आपकी बहुत अप्रिशिएट करते, अपने दोस्तों को भेजते होंगे, ये देखो इसको कैसा लग रहा है, अपने स्टेटस पर लगाते होंगे आपकी ड्राइंग, उनको इतना अच्छा लगता होगा, आप कुछ बनाते होगे, वो बहुत आपको सपोर्ट करते हैं. आई लव इट वेन यू स्माइल, उनको बहुत अच्छा लगता है जब आप स्माइल करते हो, उनकी आपकी स्माइल में बहुत पसंद है. चलिए देख लेते हैं और क्या आया है. यू मेक मी स्माइल, एक तो आपकी खुद की स्माइल उनको बहुत पसंद है, और आप जो उनको आ, उनकी आपकी वजह से उनके चेहरे पे स्माइल आती है वो भी उनको बहुत पसंद है. तो ये रहे आपके मैसेजेस, और अब हम कुछ चांस देख लेते हैं आपके लिए. रुकिए अब हम कुछ चांस देख लेते हैं आपके लिए, लेते हैं. और लेते हैं. रुकिए चलिए देख लेते हैं क्या क्या आया है. संडे सैटरडे, हो सकता है संडे सैटरडे कुछ कुछ हो आप लोगों का. संडे सैटरडे आप लोग का फेवरेट, आप लोग हमेशा वीकेंड्स पे मिलते हो, पार्टी करते हो साथ में. मैं हो सकता है आपका बर्थडे हो, आता हो उनका आता हो, या फिर मई में कुछ जरूर आप लोग का होने वाला हो. मे बी आपका मई में वेडिंग वेडिंग होने के बहुत चांसेस है, मई में आपकी, आने वाले मई में, या हो सकता है और भी नेक्स्ट ईयर, हो सकता है 2 साल लग जाए, लेकिन जितने भी साल लगेंगे, लेकिन ये है कि मई में होगा पक्का. जॉय, खूब सारी खुशियां आ रही हैं, जॉय आ रहा है आपके लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में. ऑब्वियसली यूनिक हो आप यूनिक हो, तभी तो उन्होंने कहा ना कोई आ सकता है आपकी जगह, कोई ले नहीं सकता. आप अभी भी थे, आप कल भी हो. रिकंसलेशन हो सकता है आपका भी, कुछ सेपरेशन, कुछ हमारे हो व्यूअर्स जिनका भी सेपरेशन चल रहा हो, लेकिन उनके बीच भी अब रिकंसलेशन होने वाला है. सेक्रीफाइस, आपको हो सकता है कि इस रिलेशन के लिए कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ जाए. हो सकता है कुछ लोगों को क्या कहेंगे आप, मतलब आप, या फिर कोई भी चीज आपको सेक्रीफाइस इसके लिए नहीं करने की जरूरत है, ये भी कह सकते हैं. क्योंकि अगर हो सकता है आपके पेरेंट्स ना मान रहे हो, तो कहें कि तुम्हें अपना पार्टनर मतलब सेक्रीफाइस करो, तुम्हें मेरे मर्जी से शादी करनी होगी, लेकिन आप अपनी चीजों को सेक्रीफाइस मत कीजिएगा. अगर इतना लविंग पार्टनर, इतना प्यारा आपके लिए कार्ड्स आए हैं, वो आपसे इतना प्यार करते हैं, सब कुछ सोच के रखा है, सब प्लानिंग करी है आप लोग ने मिलके, तो सेक्रीफाइस मत होने दीजिएगा अपने प्यार को, प्लीज मत कीजिएगा किसी के भी कहने पे भी. आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है, लेकिन मत करिएगा सेक्रीफाइस. ड्रीम हाउस, आपका ड्रीम हाउस जरूर पूरा होगा. लियो आया है, हो सकता है आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई कोई भी, आप दोनों भी लियो हो सकते हो. 16 चक्र आया है, इस पे वर्क करने की जरूरत है आपको. डांस, वाओ, आपको उनको डांस करना बहुत पसंद होगा. लवर्स आया है, वाओ, आप लोग लवर्स भी हो. चलिए लवर्स खुद ही आपको मैसेज आए, आप लवर्स कार्मिक, हो सकता है आप लोग अपने कर्म से जुड़े हों दोनों, आप एक दूसरे के कर्म से, हो सकता है आप लोग कुछ एक दूसरे को सिखा भी दो, मतलब कुछ कुछ बाकी रह गया वो पिछले जन्म का, जो अब कुछ कर्म काम से जुड़े हुए हैं आप लोग अपने कर्म से. किसेस आई, एक्सो एक्सो, उन्होंने आपको खूब सारे किसेस दिए. हार्ट ब्रोकन, हो सकता है आप हार्ट ब्रोकन हो जाए, मतलब लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता है सारे में, तो कुछ हो सकता है कुछ कुछ ऐसा हो जाए, लड़ाई झगड़ा टाइप, छोटे मोटे अनबन हो जाती है, तो शायद आपका दिल टूट सकता है, वो कुछ ऐसा कुछ बोल देते हो आपका दिल टूट जाए. कोई बात नहीं, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा तो हर उसमें होती है, रिलेशनशिप में होती है. फोकस, आपको फोकस करने की जरूरत है अपने रिलेशनशिप में. अगर आप अपने रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं देंगे, तो कुछ ऊपर नीचे अप डाउन आ सकते हैं, मतलब कुछ हो सकता है. हैप्पीनेस, हैप्पीनेस तो बहुत आएगी.
मुझे लगता है शादी के बाद आप लोग बहुत खुश रहने वाले हो, बहुत ज्यादा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे इतना प्यार करते हो, इतना सपोर्ट करते एक दूसरे को, क्यूटी पाई है आप उनकी, हो सकता है क्यूरियस हो आपका साइन उनका साइन, तो देख लीजिए ये आपके चांस आए हैं। कुछ इनिशियल्स देखें कि आपके जो पार्टनर है उनका नाम किससे शुरू होता होगा, चलिए देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं, इसमें से कुछ कुछ इनिशियल ले लेते हैं, बहुत सारा आया है, जे से, टी से, जे टी से नाम हो सकता है, एन से हो सकता है, या फिर ए से हो सकता है उनका नाम, या डी से हो सकता है उनका नाम, पी से हो सकता है उनका नाम, एंड वी से हो सकता है उनका नाम, सी से हो सकता है, ए अगेन ए आया है, आर एम यू डब्ल्यू, बहुत सारे आए हैं, इन सब से उनका इनिशियल, ओ आया है, क्यू आया है, एक्स आया है, सब अलग अलग आए हैं, बी आया है, बी से भी हो सकता है उनका नाम, कुछ आई है, वी है, पी है, पी है, तीन बार पी आया है, हो सकता है पी इसमें ज्यादा, वी भी तीन बार आया है, पी वी, तो ये ज्यादा आ रहे हैं, जो ज्यादा आया वो मैंने भी बता दिया आपको, हो सकता है इससे कोई वर्ड बन रहा हो, आप बना लो, आपको सही लग रहा हो, आर आया है, तो ये है आपके इनिशियल्स आए हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट फाइल देख लेते हैं, नेक्स्ट फाइल का क्या है, चलिए नेक्स्ट फाइल का देख लेते हैं, तो जिन्होंने ब्लैक ओपियम चूज किया है तो हम उनके कार्ड्स देख लेते हैं कि क्या आए हैं, क्योंकि ब्लैक ओपियम, तो जिन्होंने ब्लैक ओपियम चूज किया है तो चलिए उनके कार्ड्स देख लेते हैं क्या आया है, ये हम बाद में देखेंगे। चलिए देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या है। चिल्ड्रेन, योर लव लाइफ इज बींग अफेक्टेड बाई चिल्ड्रेन, हो सकता है कि वो मैरिड हो या उनके सिर्फ उनके उनके पास उनके चिल्ड्रेन हो भी, मतलब उनकी डाइवोर्स वगैरह हो चुका हो, या फिर या उनके पार्टनर अब लाइफ इस दुनिया में ना रहे हों, तो उनका उनका कोई चाइल्ड हो जिसके जो बीच में आ रहा हो, जिसकी वजह से शादी ना हो पा रही हो आप लोग की, आप लोग में कोई डिफरेंस आ रहा है, ये जो उन लोग के लिए जो हो सकता है मैरिड हो उनके पार्टनर, या फिर इस तरह का कुछ और आ रहा हो। वाह, चार मैसेज आपके, को डिपेंडेंसी एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, हो सकता है आप लोग को किसी चीज़ का एडिक्शन हो, वो भी आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर सकती, कोई चिल्ड्रेन, कोई एडिक्शन हो जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रहा हो, तो कोई किसी भी तरह का एडिक्शन है तो आप उसको खत्म कीजिए, नहीं तो आपका लव लाइफ शायद रोमांटिक लाइफ को ये इतनी बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहा है कि हो सकता है बाद में आप लोग अलग हो जाओ। इंगेजमेंट, कुछ कुछ व्यूअर्स की तो इंगेजमेंट होने वाली है, वाओ इंगेजमेंट आ रहा है, कुछ लोग की तो इंगेजमेंट के बारे में सोच रहे हैं, और सोलमेट्स, हो सकता है ये आपकी सोलमेट हो, आप उनसे शादी भी करना चाहते हो, बहुत जल्द आपकी इंगेजमेंट होगी भी, लेकिन अगर आपकी ऐसी किसी चीज की एडिक्शन की वजह से जो उन्हें आपके पार्टनर को नहीं पसंद है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो प्लीज वो एडिक्शन आपका हो, कुछ भी स्मोकिंग ड्रिंकिंग जो भी हो, किसी भी तरह गैम्बलिंग, वट एवर इट इज, किसी भी चीज का हो सकता है एडिक्शन, आपको उन्हीं का हो सकता है, तो इतना एडिक्शन आपको सही नहीं है, कभी कभी इतना एडिक्शन हो जाता है ना आपको, आप उसके बिना रह ही नहीं सकते, फिर आप उनको स्पेस नहीं दे पाते हो, तो किसी भी चीज का एडिक्शन तो अच्छा होता ही नहीं, तो अगर आपको किसी चीज का बहुत ज्यादा एडिक्शन है तो प्लीज उसे कम करने की जरूरत है, नहीं तो आपकी लव लाइफ रोमांटिक लाइफ में बहुत असर पड़ने वाला है इससे, वो आपके सोलमेट हैं, वो आपसे शादी भी करना चाहते हैं, तो कुछ लोग का एडिक्शन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, कुछ लोग की हो सकता है, जो लोग कुछ लोग मैरिड हो, हमारे व्यूअर्स, मतलब हमारे व्यूअर्स सॉरी, हमारे व्यूअर्स नहीं, मतलब
वो आप भी हो सकते हो मैरिड, हो सकता है आपके पार्टनर हो तो वो मैरिड हो किसी और के साथ, और या फिर उनका पार्टनर ही नहीं है इस दुनिया में लेकिन उनका एक चाइल्ड है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, वो चाइल्ड आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ लोग का क्या है कि वो सोलमेट भी है आपके, एंगेजमेंट भी करना चाहते हैं लेकिन कुछ एडिक्शंस की वजह से जो आपके पार्टनर को नहीं पसंद होगा, आपके एडिक्शंस वो नहीं चाहते होंगे कि आपको इतना एडिक्शन हो, या तो फिर आपको अपने पार्टनर का इतना एडिक्शन है कि आप उसको स्पेस नहीं देते हो, तो ये सब चीजें आप थोड़ा कम करने की जरूरत है आपको, या हो सकता है आपके पार्टनर को ही ये चीज कम करने की जरूरत है थोड़ा। वो आपके सोलमेट है, आपसे शादी करना चाहते हैं, आप कुछ एडिक्शन हो सकते हैं, फिर उनको कुछ एडिक्शन हो सकता है जिसकी वजह से आपका रोमांटिक लाइफ सीधे नहीं चल पा रहा है। देख लीजिए बहुत प्यारा कार्ड आया आपका, सोलमेट एंड एंगेजमेंट। तो आपके सोलमेट तो है और एंगेजमेंट भी आपकी होने वाली है बहुत जल्द, या हो चुकी होगी आपकी एंगेजमेंट, या बहुत जल्द होने वाली है। चलिए आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ गई हो आपने उनके आपके मतलब कुछ एडिक्शन पे ही उनको कुछ बोला हो, चूंकि एडिक्शन का कार्ड आया भी है, तो हो सकता है आपने मना किया हो, आप लोग के बीच कुछ अनबन हुई हो जिसमें आप फिर आप रूठ फूट गई हो, तो वो डर रहे हैं आपसे कैसे कॉन्टेक्ट किया जाए। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, हो सकता है गुस्से में आप उन्होंने कुछ कह दिया हो आपको, तो वो सोच रहे हैं कि अब मैं अपने वर्ड्स कैसे बैक लू, वापस कैसे लू अपने वर्ड्स जो मैंने तुम्हें कुछ बोल भी दिया हो, तो उसके लिए सॉरी। उनको रियलाइजेशन तो हो रहा है, आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, एडिक्शन एडिक्शन एडिक्शन। और हो सकता है जो चिल्ड्रन अफेक्ट कर रहा है उसके लिए भी, हो सकता है आप लोग की कुछ बात बात हुई हो, किसी बात पे कुछ अनबन हुई है जो आपके पार्टनर आपसे डर रहे हैं बात करने को, या फिर वो अपने वर्ड्स वापस नहीं ले पा रहे हैं कि उन्होंने हो सकता है आपको कुछ बोल दिया हो, या फिर आप लोग की लड़ाई हो गई हो, आप लोग की कुछ सेपरेशन पीरियड में चल रहा हो अभी आप लोग, या फिर अभी बीच में थोड़ी कुछ छोटी मोटी लड़ाई हुई हो जिसकी वजह से अब वो उनको पछतावा हो रहा है कि मैं अपने वर्ड्स वापस लेना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा खो सा गया हूँ, और मैं तुमसे बात भी करूँ तो कैसे करूँ, मैं मुंह दिखाने लायक ऐसा लग रहा है कि नहीं रह पाया, कि मैंने तुमको इतना बुरा बुरा कैसे बोल दिया, जो कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो करते हो। तो हो सकता है किसी बात का उनको बुरा लगा हो, एडिक्शन या शॉपिंग का भी हो सकता है, गर्ल्स गर्ल्स को भी शॉपिंग का एडिक्शन होता है बहुत ज्यादा, एंड हो सकता है छोटी छोटी बात पे इन सब बातों पे लड़ाई हो जाती है, जब आप इतना किस चीज के पीछे पड़ जाओ ना तो दूसरे वाले पार्टनर को बुरा लगता है, तो हो सकता है किसी बात पे प्रॉब्लम हुई हो। तो ये थे आपके उनकी हिडन फीलिंग्स। चलिए अब आप कोई लव मैसेजेस देख लेते हैं। आई स्पेंड टाइम फॉर यू टू, वो स्पेंड नहीं सॉरी सॉरी स्पेंड टाइम प्रेइंग फॉर यू टूडे, वो आपके साथ समय बिताना चाहता है, उसके लिए प्रे भी करते कि आज काश मैं तुम्हारे साथ, उस भगवान से प्रे करती काश मैं उसके साथ समय बिता सकूं, इस तरह का कुछ है। वो भगवान से मांगते कि काश मुझे आज का दिन तुम्हारे साथ मिल जाए, आज का दिन तुम्हारे साथ मिल जाए, ये बोलना चाहते हैं। यू आर अ ब्लेसिंग टू मी, वाओ आप उनके लिए ब्लेसिंग हो, मतलब वही प्रेइंग आया है, ब्लेसिंग आया है, वही प्रे किया उन्होंने, प्रे करके आपको मांगते हैं, और जो जब भगवान आपको दे देते हैं तो वो ब्लेसिंग बन जाती है उनके लिए। तो वही वो आप मतलब उनके लाइफ में आओ तो उनकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आई हैं, वो इसलिए कहते हैं कि आप ब्लेसिंग की तरह हो उनकी लाइफ में, और वो आपसे आपके साथ समय बिताना बहुत पसंद करते हैं, मतलब बस आपके साथ एक दिन उनको मिले, अब वो रोज ही कहते हैं कि आज का दिन शायद उसके साथ मिले मुझे, आज का दिन वो और हम हो बस साथ में, ये है। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं और छोटे छोटे लेटर्स। यू आर सुपर स्मार्ट, तुम बहुत स्मार्ट हो, सच में तुम बहुत स्मार्ट हो, वो इस तरह से कुछ कहना चाहते हैं। लेट्स मेक सम मोमेंट्स, जब वो आपके लिए दिन मांगते हैं तो कुछ मोमेंट्स तो बनाना ही चाहेंगे ना, तो वो कुछ मोमेंट्स भी मांगते हैं कि कुछ मोमेंट्स बनाने का मौका मिले उन्हें आपके साथ। नेवर एवर लीव मी, मुझे कभी छोड़ के मत जाना, शायद मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, तो ये कहना चाहते कि मुझे कभी छोड़ के मत जाना, क्योंकि तुम्हारे आने से ही मेरी लाइफ में खुशियाँ आई हैं, ब्लेसिंग की तरह हो तुम मेरी लाइफ में, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, वो ये कहना चाहते हैं आपसे। बहुत प्यारे लेटर्स आए हैं आपके लिए, लव लेटर्स। चलिए आप देख लेते हैं आपके कुछ चांस देख लेते हैं।
बहुत सारे आए हैं कि एक्वेरियस हो सकता है आप हो या आपके पार्टनर होने वाले हो, एक्वेरियस होंगे आपके पार्टनर। रिकंसिलेशन, अगर सेपरेशन चल रहा है आपके बीच तो जरूर आप मिलेंगे, लवर्स हैं आप। हो सकता है कुछ कार्मिक आपका रिलेशनशिप हो, मूविंग अवे वो जा रहे हो, छोटी मोटी लड़ाई हो वो को देखिए, वो आप उनसे दूर मत जाइए प्लीज। वो एक तो ऑलरेडी डर रहे हैं कि वो आपसे कैसे बात करें और अपने वर्ड्स कैसे वापस लें, आप तो आप जाइए मत उनकी लाइफ से, ना उन्हें जाने दीजिए। ग्रेस, डांस पसंद है, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी रखिए, फोकस फोकस रखिए अपने रिलेशनशिप पे, ध्यान दीजिए अपने रिलेशनशिप को, टूटने मत दीजिए। देखिए कहाँ गलती कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, लॉट्स ऑफ लव्स, लॉट्स ऑफ लव आए हैं आपको दिख रहा है, लॉट्स ऑफ लव आया है। सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं कुछ भी, आप अपने लवर को तो खासकर नहीं कीजिए अगर वो आपसे इतना प्यार करता है तो। सोलर चक्र, और आपको और उनके लिए सेक्रीफाइस है, आपको अपने एडिक्शन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा क्योंकि आपको अपने पार्टनर से बहुत प्यार है। कैंसर उनका आपका हो सकता है, संडे, संडे कुछ कुछ तो होने वाला, कुछ कनेक्शन हो सकता है आपका संडे से। एंड सैटरडे वीकेंड, अगेन वीकेंड्स आए हैं आजकल तो, वीकेंड्स वीकेंड्स लॉकडाउन चल रहे हैं तो वीकेंड्स आ रहे हैं। वीकेंड्स में आप लोग को शायद कुछ समय मिलता हो टाइम स्पेंड करने का। पाइसीस हैं, हो सकता है वो आप वो फैमिली फैमिली आप लोग एक दूसरे के साथ फैमिली बनाना चाहते हो, जल्द से जल्द शादी करना, एंगेजमेंट तो हो ही रही है, शादी भी बहुत जल्दी होगी। एरीज आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। सन आया है, वाओ, सन ये दिखाता है कि कुछ भी अगर आप अचीव करना चाह रहे हो तो जरूर अचीव होगा, कुछ हैप्पीनेस कुछ जॉय कुछ गुड न्यूज कुछ, मतलब ये वो होता है कि आप में थप्पा लग गया कि हाँ ये तो बेस्ट है आपके लिए, ये तो अच्छा है। एक अगर रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, आप लोग का रिलेशनशिप अच्छा है, ये सन कार्ड ने आके बता दिया, और वो बदलेंगे भी, और आप लोग का अगर सेपरेशन चल रहा है तो रिकंसलेशन भी 100% होगा, रिकंसलेशन का कार्ड भी आया है। लंच करें साथ में, बहुत जल्द लंच पे जाएं। स्कॉर्पियो हो सकता है आप हो, आपके पार्टनर हो, साइन हो। बटरफ्लाई आया है, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, हो सकता है आप लोग क्या कहते हैं उसे ट्विन फ्लेम हो, दैट्स वाई बटर, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, रिकंसलेशन भी हो रहा है। यूनिक है आप, यूनिक जो आए, बहुत खुशियां आ रही हैं। कपल के कपल हैं आप, और क्या बताना चाहते हैं, एक्सो एक्सो किसेस आ रही हैं। वीर्गो आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। ब्रेकअप आ रहा है, ओहो, सेपरेशन आ रहा है, बोला ना आप लोग ट्विन फ्लेम हो लग रहा है। ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन, रिकंसिलेशन, बटरफ्लाई मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, आई मीन आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप लोग मान लो। स्पिरिचुअल, वाओ, स्पिरिचुअल भी आया है, यही जर्नी आपको स्पिरिचुअल बनाएगी। जब तक आप स्पिरिचुअल नहीं बनोगे, मतलब एक दूसरे को सोल लेवल पे नहीं प्यार करना सीखोगे, ना जानोगे समझोगे, एडिक्शन वगैरह छोड़ के, आपको मेडिटेशन भी करना चाहिए, एडिक्शन वगैरह छोड़ना होगा, तभी आप लोग जब स्पिरिचुअल होंगे, दोनों सोल टू सोल कनेक्शन बनेगा आपका, तब आपका रिकन्सिलेशन होगा। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, साफ साफ बता रहे हैं आपके कार्ड्स कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। सन भी आया है, वो भी बता रहा है कि यस यू आर, आप लोग का मिलन तो होगा, ट्विन फ्लेम का मिलन जरूर होता है क्योंकि आप लोग के मिलने से ही इस वर्ल्ड में चेंजेस आते हैं। तो ये रही आपकी रीडिंग, और हम थोड़े से और आपके इनिशियल्स देख लेते हैं, हो सकते हैं उनके नाम के लेटर्स। ए से ए आया है, ए आया है, एंड एक्स आया है, के आया है, जेड आया है, हो सकता है उनसे आपका नाम इनिशियल उनका हो, ए से नाम उनका, उनका नाम एल से भी हो सकता है, एक्स से हो सकता है, के से, एच से हो सकता है उनका नाम, एच से हो, जे से हो उनका नाम, एंड एन से भी हो सकता है उनका नाम। कुछ और देख लेते हैं इनिशियल्स,
टी से भी हो सकता है, आर से हो सकता है उनका नाम, एक्स अगेन एक्स आया है, हो सकता है आपके एक्स ही वापस आ रहे हो चुके, आप लोग लड़ाई लड़ाई कर चुके हो, अब नाउ इज योर एंड शी इज योर एक्स। ओ एक्स बता रहा है, तो ये सब हो सकते हैं आपके पार्टनर्स के नाम के इनिशियल्स। चलिए बढ़ते नेक्स्ट रीडिंग की तरफ। तो जिन्होंने पाइल चूज की थी थर्ड वाली, लास्ट पहले लास्ट पहले, ओके तो उनकी रीडिंग देख लेते। चलिए क्या कार्ड्स आए हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट योर फ्रेंड हेल्प यू, हो सकता है कि आप और उनके आपके पार्टनर के फ्रेंड सेम हो और म्यूचुअल फ्रेंड्स हो आपके, और आपको कभी कभी जब आपका नहीं सही चल रहा हो रिलेशनशिप, तो हो सकता है आपके फ्रेंड्स आपकी मदद कर दे, आपको कुछ एडवाइस दे, उनको कुछ एडवाइस दे, आप दोनों की बीच की प्रॉब्लम सही करे, आप लोग को कुछ अच्छा मतलब दोनों को साथ में एडवाइस दे, या फिर दोनों आप दोनों को वो मिलके साथ ले आए कि आप लोग एक होने की कोशिश करें। वो लोग भी चाहते हैं कि हमारे जो फ्रेंड्स से क्यों दूर रहे एक दूसरे से, दोनों एक होके रहे, ऐसे आपको ग्रुप बना रहे। तो चलिए नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं कि क्या आया है आपका। दिस कुड बी द वन, वो भी ये कह रहे हैं, आपके फ्रेंड्स भी ये कहना चाहते हैं, यही एक है यार तुमको और कोई नहीं मिलेगा इससे अच्छा, यही एक है। और एंजल्स भी आपको ये कहना चाहते हैं, आपके पार्टनर भी यही समझते हैं कि आप ही हो एक और कोई अच्छा आ ही नहीं सकता। अनरिक्विटेड लव, देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप। देखिए रिलेशनशिप को चलाने के लिए सिर्फ अट्रैक्शन होना कि आप लोग एक दूसरे से बहुत अट्रैक्टेड हैं और जो केमिस्ट्री है यही जरूरी नहीं है, आप लोग के बीच अंडरस्टैंडिंग ट्रस्ट लव ये भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से हो सकता है आप लोग के बीच थोड़ी दूरियां आ जाती हो, आप लोग की लड़ाई कुछ इसी वजह से होती हो क्योंकि आपके बीच इतना अच्छा बैलेंस अंडरस्टैंडिंग ट्रस्ट नहीं है। अभी बाद में आ जाएगा, कोई बात नहीं, अभी आपके दोस्त आपको मिला देंगे, वो आपको समझा देंगे, धीरे धीरे आपको सब आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप लोग के बीच अट्रैक्शन और केमिस्ट्री है बस, तो इससे रिलेशनशिप आके नहीं बढ़ेगा, आपको आपको एक दूसरे के बीच अंडरस्टैंडिंग ट्रस्ट लव भी लाना जरूरी है। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, वो हील होना चाहते, हो सकता है वो पिछले रिलेशनशिप जो हुआ होगी उनकी उससे वो अब वो भी हर्ट है, या फिर वो सोच रहे होंगे कि हो सकता है जैसे वो पर्सन था आप भी वैसे ही हो, तो उनको भी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, उनको हील होने दीजिए पहले, वो जब उनके घाव भरेंगे ना तो वो आपसे आपको और ज्यादा अच्छे समझने लग जाएंगे और प्यार आप लोग के बीच और बढ़ जाएगा। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो, वो आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, अगर छोटी भी लड़ाई वड़ाई हुई हो तो आपको जाने वो अंदर जाने नहीं देना चाहते, लेकिन वो आपसे सीधे सीधे नहीं बोल रहे हैं, फ्रेंड्स के जरिए आप लोग ही मिलोगे, मतलब आपको अपने फ्रेंड्स की हो सकता है वो फ्रेंड्स का हेल्प ले ले आपको मनाने के लिए, या आपको लेनी चाहिए उनको मनाने के लिए, वो भी आपको नहीं जाने देना चाहते हैं। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज विद यू, हो सकता है उनके पास अभी कोई गुड न्यूज आई वो आपको बताना चाह रहे हो लेकिन अभी नहीं बता पा रहे हो कि अभी मैं क्यों बोलूँ, मैं तो मतलब अभी तो गुस्सा है वो, या फिर आप उनसे गुस्सा हो आप कुछ बताना चाहते हो, लेकिन वैसे वो ये उनकी फीलिंग है वो आपसे कहना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं बता रहे कि जब तक आप मान ना जाओ, आप जब मान जाओगे आप लोग की फिर से बात अच्छे से होने लगेगी, अभी आप गुस्सा हो तो वो आपको जरूर बताएंगे कि हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ गुड न्यूज आई हो, कुछ अच्छा आया हो तो वो आपसे शेयर करना चाहते हो, लेकिन अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं। आप लोग का भी गुस्सा गुस्सा वाला गेम चल रहा है, गुस्सा हो एक दूसरे से। चलिए देख लेते हैं, यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैपेंस टू मी, वो बोलते ये वो मानते भी हैं और ये वो जानते भी हैं कि आपसे अच्छा उनकी लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं है, और ये शायद एंजल्स भी बताना चाह रहे हैं कि
कि आप उनके लिए सबसे अच्छे हो, सबसे बेस्ट हो, उससे अच्छा इनको मिलेगा भी नहीं। और अभी इनको रियलाइज नहीं हुआ है तो बहुत जल्द रियलाइज हो जाएगा। माई माइंड वंडर एंड आई गेट लॉस्ट थॉट्स ऑफ यू। वो जैसे ही आपका माइंड कुछ ढूंढने के उधर जाता है, आपके थॉट्स आते हैं और वो आपके थॉट्स में से खो जाते हैं। वाओ, प्यार तो करते हैं आपसे, आपको याद तो करते हैं, मिस करते हैं, जब आपके बारे में सोचते हैं तो कहीं खो जाते हैं। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि जैसे कि आप लोग का नया नया अभी अभी रिलेशन शुरू हुआ है, कुछ नया नया सा अभी आप लोग बहुत फ्रेश फ्रेश आप लोग का रिलेशन शुरू हुआ है, ये मुझे इसमें पता लग रहा है ऐसा कि ऐसा कुछ है। आई एम प्राउड ऑफ यू, वहाँ पे प्राउड है वो, कहते हैं हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हाँ मैं इससे प्यार करता हूँ, प्राउड है, हम फील करते हैं। यू आर माई सोलमेट, वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। यू आर हार्ड वर्कर, वो मानते हैं कि आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, हो सकता है इस रिलेशनशिप में करते हो, अपने लाइफ में बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो अभी आप, तो वो ये देखते भी हैं, ये जानते भी हैं और ये मानते भी हैं कि आप बहुत हार्ड वर्क करते हो। ये वो भी मानते हैं कि आप उनकी सोलमेट हो, ये भी आप पे प्राउड भी करते हैं, वो प्राउड है कि आप उनकी पार्टनर हो, उनको प्राउड फील होता है बहुत। आप ऐसा काम ही करते हो, आप उनको इतना एफर्ट, इतना सपोर्ट करते हो, इतना लव करते हो कि उनको इतना प्राउड फील होता है आप पे। अब वो आपको जाने भी इसलिए नहीं देना चाहते हैं, वो नहीं जाने देना चाहते हैं आपको, लेकिन वो सीधे सीधे कहते भी नहीं आपसे, क्या बताए। चलिए अब कुछ चांस देख लेते हैं आपके। आप लोग एक दूसरे से मन की बात बोला कीजिए, मुझे लग ही रहा है कि आप लोग का जैसे कुछ ये न्यू न्यू, कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत न्यू न्यू कनेक्शन आया बना है इन लोग, आप लोग का बहुत न्यू न्यू है, कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है और कुछ लोग का लग रहा है हाँ आप लोग का है ही, आप लोग कई टाइम से रिलेशनशिप में हो। लेकिन तब भी क्या होता है ना कि कुछ छोटा मोटा भी झगड़ा होता है तो दोस्त आते हैं बीच में सॉल्व करने, अगर म्यूचुअल है, और नहीं भी है तब भी आते हैं, क्योंकि वो आपको दुखी नहीं दे सकते ना आपके दोस्त, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आप लोग को एक करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे चांस आए हैं, चलिए देख लेते हैं क्या क्या आए हैं आपके लिए। स्माइल, बस स्माइल करते रहो। लवर्स, आज तो तीनों में लवर्स आया, हो सकता है फायर साइन हो आप। यू सेजिटेरियस, फायर साइन एडवेंचर हो आप दोनों को, हो सकता है एडवेंचर बहुत पसंद हो, आपको पसंद है, उनको पसंद हो। फ्राइडे, फ्राइडे से कुछ रिलेटेड। हैप्पीनेस, बहुत खुशियां आएंगी आपकी लाइफ में पक्का, आप लोग प्रोटेक्टेड भी हो, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर थोड़ी बहुत लड़ाई भी हुई है तो सब, दिस कुड बी द वन ओनली यू। देखिए सिर्फ आप ही आप हो और कुछ है, कोई है भी नहीं उनकी लाइफ में, और ना वो किसी को एक्सपेक्ट भी करें कि कोई आएगा, या बिना सोचते हैं किसी और के बारे में। इनर चाइल्ड, बहुत इनोसेंट से हैं आप या आपके पार्टनर, बहुत इनोसेंट है आप। जुलाई, जो हो सकता है जुलाई मंथ, जुलाई फ्राइडे, जुलाई में कुछ होने वाला हो, आने वाले जुलाई में भी आप लोग, या फिर जुलाई में हो सकता है उनका बर्थडे आपका बर्थडे पड़ता हो। अबंडेंस, बहुत सारी अबंडेंस आने वाली, मतलब इतनी खुशियां, किस चीज की कमी नहीं होगी आपको। चेंज योर पाथ, अपना पाथ बदल लिया, आप पाथ बदलने की जरूरत, आप शायद गलत रास्ते पे चल रहे हो अभी, गलत नहीं कहेंगे, अलग रास्ते पे चल रहे हो, आपको दूसरे रास्ता चुनना होगा। मतलब हो सकता है कि आप अगर कुछ, अगर आप लोग के बीच हुई भी तो फॉरगिव करिए, आगे बढ़ना है आपको, उसी चीज में स्टक रहने की जरूरत नहीं है। विंग्स आया है, मतलब एंजल्स की प्रेजेंस है आसपास, आपके एंजल्स हैं, हो सकता है जो पार्टनर है आपका वही आपके लिए बहुत हेल्पफुल एंजल जैसा हो। स्टार, आप एंजल हो उनके लिए, स्टार आया है, मतलब ये भी स्टार, होप, ये सब आपके रिलेशनशिप को और पक्का ही कर रहा है। इंस्पायर, वाह, वो आपसे इंस्पायर हो जाते हैं, आप एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप उनसे होते हो। हार्ट, हार्ट आया है, और रोमांस आया है, हार्ट है, रोमांस है आपके बीच। मई, हो सकता है आने वाले मई में, हो सकता है आपका बर्थडे हो, उनका बर्थडे पड़ता हो, या फिर कुछ होने वाला हो, कुछ न्यू होने वाला हो, आपकी मे भी शादी होने वाली है, अगर जिन लोग की, जो लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं कि मेरी शादी होगी उनसे या कब होगी, तो हो सकता है मैं
जुलाई में उनकी शादी हो आने वाले, जेमिनी आप हो सकते हो, सैक्रिफाइस और सैक्रिफाइस लवर्स बहुत आ रहा, तो प्लीज अपने लवर को सैक्रिफाइस करने की कोई जरूरत नहीं, किसी और के कहने पे, किसी और के हार्ट ब्रोकन। लड़ाइयाँ तो सब में होती है, दिल तो टूट जाता ही है सबका, दिल तो होप होप फिर से हो पाया है, इस रिलेशनशिप में बहुत होप है। हीलिंग ये भी कार्ड आया था, इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, नाउ हीलिंग आया है, हीलिंग की जरूरत है आपके पार्टनर को। मे आया था एंड दिस जनवरी, हो सकता है जनवरी में कुछ होने वाला, आपका बर्थडे या उनका बर्थडे, फेब्रुवरी आपका बर्थडे या उनका बर्थडे, और जन कुछ बहुत अच्छा होने वाला हो, मे तो देख ही चुके हैं। नवंबर भी आया है, नवंबर भी आ रहा है, नवंबर आपका या उनका बर्थडे, या कुछ कुछ तो नया होने वाला, कुछ लाइफ में चेंजेस आने वाले आपके और उनके दोनों के। लॉट्स ऑफ लव्स, वाओ, पास लाइफ कनेक्शन है आपका उनके साथ। लव बर्क्स, ओके, मेडिटेशन की जरूरत है हीलिंग के लिए, मेडिटेशन भी कीजिए, उससे ही हीलिंग होगी आपकी। रिंग, ओके, बहुत जल्द आपकी एंगेजमेंट होने वाली है। प्रे, गॉड से प्रे करते हैं वो आपको, आप उनको, एक दूसरे के लिए आप एक दूसरे को प्रे करते हो कि आप जल्द से जल्द शादी वगैरह हो। बेबी, ओके, बेबी हो सकता हो, आपसे एक बेबी भी चाह रहे हो, आपकी शादी हो, आपके बच्चे हो, सपने देख रहे हो, इस तरह रूट चक्र, ईगो पे वर्क करना बहुत जरूरी है। आप लोग ईगो के चक्कर में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, आपके दोस्तों को बीच में आना पड़ रहा है आपकी, आपके रिलेशनशिप को सही करने के लिए, तो प्लीज एक दूसरे को, ईगो को दूर रखिए, आपको आपस में बात करनी चाहिए, वो ज्यादा जरूरी। अपसेट अपसेट मत होइए, आप लोग की बहुत जल्दी बात होगी। निगेटिविटी को दूर कीजिए, निगेटिव थॉट्स लाइए ही मत। क्राउन चक्रा पे वर्क करने की जरूरत है आपको। चलिए तो ये हो गई आपकी रीडिंग, कुछ इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि उनके उनका नाम किस लेटर से शुरू होता है या एंड किस लेटर पे होता है, वो भी हो सकता है ये। चलिए देख लेते हैं क्या आया है। जे टी एंड अगेन जे, ओके, जे एच टी डब्ल्यू एक्स बी सेट ओ एम एल पी अगेन ओ, तो ये हो सकते हैं आपके नाम, उनके नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं, फिर उनके नाम के लास्ट में ये लेटर्स आते हो, तो आप देख लीजिए अगर आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और रेजोनेट हो रहा तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता कर, इस तरह की आपको रीडिंग्स पसंद है तो प्लीज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज, और मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मैं और आपके लिए इस तरह के लेके आऊंगी रीडिंग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।